देखिए 12 मांगे हैं इनकी, 12 इन्होंने अपनी मांगों में 12 बिंदुओं का एक पत्र सौंपा है। उसमें मुख्य मांग है जैसे सीबीआई जांच कराना, मुकदमे वापस लेना, आश्रितों को जो है वो भूमि जो है कृषि के लिए पट्टे पर देना, 50-50 लाख रुपए जो है मृतकों के आश्रितों को देना, और मृतकों के जो आश्रित हैं उनके परिवार को नौकरी देना। तो 12 मांगों का जो एक पत्र है वो शासन को अभी सौंपा है, प्रशासन को दिया है, प्रशासन के माध्यम से वो शासन को जाएगा। और बेल्डा प्रकरण में जो लोग पीड़ित हैं, जिन पर अभी भी मुकदमे दर्ज करने की कार्रवाई चल रही है, उस कार्रवाई को रोकने के लिए कहा गया है। और ये कहा गया है कि जो भी मुकदमे दर्ज होते हैं निष्पक्ष जाँच की जाए। जो पीड़ित हैं जिनका 19/6/2023 को पत्र जो आयोग ने लिखा था कि ये 10 लोग हैं इनकी FIR दर्ज करी जाए, वो FIR दर्ज कराने के लिए कहा गया है। 20/6 को एक पत्र लिखा गया था जिस पत्र में आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट प्रमुख सचिव मुख्य सचिव को सौंपी थी, उस जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने के लिए हमने कहा है। तो यही अभी मुख्यतः मांगे हैं। देखिए अभी मुकदमा दर्ज हुआ है वो आयोग के आदेश पे हुआ है, उसके अलावा क्या हुआ है ये तो भी जानकारी मेरे संज्ञान में आई है। मैं एक बार FIR पढ़ूंगा, उसके बाद मैं देखता हूं उसमें किस आधार पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। अगर आयोग के कहने पर कि भाई इनका कहना है कि आयोग ने जो है इनकी बात नहीं मानी और इन अपनी बात पर नहीं खड़े उतरे और मुकदमा दर्ज कर लिया है, तो भाई वो जो एक जाँच रिपोर्ट आयोग ने मुख्य सचिव को भेजी है उस जांच रिपोर्ट पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो आयोग एक मुकदमा मुख्य सचिव के खिलाफ भी दर्ज कराए ना। अगर ये अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि आपने जो इनसे वादे किए थे वो वादे पूरे कर दीजिए, तो इनके मांग करने पर तो आपने इन पर मुकदमा दर्ज कर दिया, और जो आपने रिपोर्ट बनाकर भेजी है शासन को, वो मुख्य सचिव ने अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई करी? मुख्य सचिव के खिलाफ क्यों नहीं मुकदमा दर्ज कराया जाता? ये मुकदमे का खेल बंद कर दे शासन सरकार, मैं फिर कह रहा हूँ, आप बाद में पछताएंगे, समय रहते कार्रवाई कर लीजिए, अच्छा रहेगा।